देश में कुछ ताकतें जहां धर्म के नाम पर समाज को और लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं, वहीं रमजान के इस मुकद्दस महीने में इफ्तार पार्टियां दिलों को जोड़ने के काम में लगी हुई हैं। हिंदुस्तान की इसी गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल पेश की कोलकाता के वार्ड नंबर 60 के काउंसिलर कैसर जमील ने, जिन्होंने अपने वार्ड में एक शानदार दावत इफ्तार का इस्तेमाल किया, जहां सभी मजाहिब के लोगों ने एक साथ बैठकर पूरे देश को यह पैगाम दिया कि राजनीतिक फायदे के लिए भले ही कुछ ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग और खुसूसी तौर पर बंगाल के लोग इस बहकावे में कभी भी नहीं आएंगे। बंगाल में कल भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ थे, आज भी हैं और कल भी एक साथ रहेंगे। इफ्तार पार्टी में शामिल सभी लोगों ने 60 नंबर वार्ड के काउंसिलर कैसर जमील की इस कोशिश की दिल खोलकर तारीफ की। इस इफ्तार पार्टी में राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद नदीमुल हक, विधायक और मंत्री बाबुल सुप्रियो, विधायक और MMIC देवाशीष कुमार, कोलकाता कॉरपोरेशन के MMIC बाबू बख्शी, एक्स काउंसिलर जिया गुलजार, TMC नेता रविंद्रनाथ दास, आशीष सौ, मुख्तार अली, मोहम्मद अकरम, मुराद इस महमूद समेत बड़ी तादाद में सियासी और सामाजिक रहनुमा शामिल थे। पेश है पूरी रिपोर्ट। इस इलाके के हर दिन अजीज एमएलए वजीर मगरबी बंगाल तशरीफ फरमा है, हम सब उनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने हमारे और आपके बीच मौजूद है। बस ये समय देखिए बड़ा खुशहाली इसमें रहते हैं पूरे दिन। आप लोग जैसे हमने बचपन से हर धर्म में ये रहता है पूरे दिन का उपवास करना और ऊपर वाले से ये, और हमारे भारतवर्ष में दिवाली हो, होली हो, ईद हो, रमज़ान हो, क्रिसमस हो, सब एक तरीके से जो है हम लोग सब मिल के मनाते हैं और ईद भी बंगाल में वही माहौल बरकरार रहे। तो मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं और शुभकामनाएं दूंगा। इफ्तार पार्टी जो है हम लोग का है, जो भी हम लोगों का नेता है जो इस वार्ड से बहुत प्यार करता है, सब नेता यहाँ पर आया, ये मेहरबानी हम सब का है, जिसमें हमारे रोबी भाई है, लालू, आशीष साहब और तमाम जितने भी हमारे साथी हैं, सब मिलके ये प्रोग्राम को सक्सेस किया और ये एक बहुत बड़ा है, यहाँ से एक पैगाम पहुँचाया है हिंदुस्तान भर में आदमी को कि यहाँ देखिए यहाँ के हर कौम के आदमी है, हर इसके आदमी, हर मिल्लत के आदमी है और ये यही रहेगा, यही हिंदुस्तान है, यही बंगाल है और यही ममता बनर्जी की सरकार है। तो बात दे रहे हैं इसलिए कि देखिए यहाँ ये सब राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, ये समझने होगा, इसके क्रोनोलॉजी समझने पड़ेगा। अब ये है देखिए, अगर ये हम लोग अंदर अगर कोई ऐसा बात रहता तो हम लोग यहीं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, यहाँ हम लोग मिल्लत का मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं इस आपका इफ्तार पार्टी से। और वार्ड हर साल एक इफ्तार पार्टी करते हैं हम लोग सब मिला के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिल के हम लोग एक इफ्तार पार्टी करते हैं। तो हम लोग का दीदी बोला धर्म जार जार उत्सव सभा, हमारा जैसे आज पवित्र रमजान महीना में हम लोग इफ्तार पार्टी किया मुस्लिम भाई लोग के लिए, तो हम लोग जो दिन ईद होता है उस दिन हम लोग पाक सकास मैदान में जाके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के गला मिलते हैं। ठीक दुर्गा पूजा का टाइम कैसर भाई बोलिए, निसार बोलिए, सज्जाद बोलिए, वासिम बोलिए, सब कोई मिल के हमारा जो बनियापारा में पूजा होता सब कोई पूजा में शामिल होकर पूजा भी मनाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर जो मुस्लिम भाई लोग रोज़ा रख के है, हम लोगों को बोला है कि चलो हम लोग सब मिल के, ये है बंगाल, ये बंगाल में एक तो संस्कृति अला है, यहाँ पर काजी नजरुल रविंद्रनाथ का बंगाल, काजी नजरुल और रविंद्रनाथ का बंगाल में कभी हिंसा दंगा नहीं होता है, दंगा का कोई जात नहीं होता, कोई जात किसी को सिखाता नहीं कोई किसी को जो दंगा लगाने के लिए, दंगा लग जो लगाता है उसका कोई जात नहीं है, वो हम लोग का किसी का कोई नहीं है, कहीं ना मेरा भाई होता है, ना मेरा दोस्त होता है, ना कभी कोई नहीं है, भाई लोग दुश्मन ही रहता है। हमें जो लोग झमेला कर रहा है वो एक तो कुछ आदमी हैं, जो आदमी लोग का काम नहीं है कुछ लोग का सुबह से लेकर रात तक काम होए और तो दंगा लगाने का, इसका ना कोई धर्म होता है, इसका ना कोई जात होता है। तो हम लोग का बंगाल में कभी ये सब नहीं था और आने वाला दिन में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा है सबका, वो करने नहीं देगा, वो हिंदू होए का, सिख होए का, जैन होए का, मुस्लिम होए, किसी को
कोई किसी से दंगा फसल लगाने कोई मारापीटी करने सांप्रदायिक सम्प्रीति खराब होने नहीं देगा। हमारा सकले मिले जो सम्मिलित हलम से खूब ही आनंद घन मुहूर्त छो सकले रोजा एक संगे हमें खुलल चारिदिके जे विभिन्न कुमंत्रणा जे जरा दिच्छे लोक के विभिन्न अनाचार सृष्टि करार चेष्टा कर समाजे तादेर मुखे आज के उपयुक्त जवाब देवार जन्ने इफ्तार पार्टी संगठन जरा संगठक तादेर सकल के शुभेच्छा जानाच्छी जे तादेर खूबी सुंदर एक अनुष्ठान माध्यमे आबार तारा समाजेर बुके एक मेसेज दिलेन जे भाईचारा जिनिसटा सेखाने सियासत हुकूमत जाई थाक ना केन किन्तु भाईचारा निजेर जायगाय ठीक थाकबे हिंदू मुस्लिम शिख ईसाई আমরা সমস্ত সবাই যে ভাই ভাই আজকের দিনে সবাই আমরা একত্রে সম্মিলিত হয়ে রোজা খুলেছি তার মাধ্যমে আমরা আবার এটা প্রমাণ করছি যে ভাইচারার আগে কোনো কুমন্ত্রণা কোনো যারা আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করবে তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে। ইতনা ফসাদ করনে কি কোশিশ কর রহে হ্যায় উন লোগো কো হাম লোগো কি তরফ সে এক জবরদস্ত পত্থর সে জবাব হ্যায় কি আপ पथराव करेंगे हम मोहब्बत का पैगाम बांटेंगे और हर मज़हब के लोग को लेके मैं मोहब्बत का पैगाम जैसे हमारी और आपकी इज्जत माफ वज़ीर आला ममता बनर्जी इज्जत का पैगाम बांटती है उसी तरह 60 नंबर वार्ड के तमाम लोगों ने मोहब्बत का पैगाम दिया इस माह रमज़ान मुबारक महीने में। एक इफ्तार पार्टी देखिए खाने के लिए वैसे हर इंसान को है लेकिन ये सिर्फ मिलजुल के हर मज़हब के लोग को लेकर बैठ के मिलकर गंगा जमुना के तहजीब जो हमारा वतन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा इसी का एक पैगाम हम लोगों ने देने की कोशिश की और रमज़ान का इफ्तार से क्लियर मैसेज दिया है कि तुम चाहे जितना बर्बादी करो हम लोग आबादी के ही रास्ते में चलेंगे। देखिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का लैप्स है लेकिन एक पुलिस के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहीं लैप्स हुआ है और लेकिन इसको हमारे CM ने बहुत वक्त को मद्देनज़र रखते हुए इसे कंट्रोल कर लिया वरना हादसा तो इन लोगों का मकसद बहुत बड़ा कुछ करने का था लेकिन हमारी CM ने बहुत खूबी से इसे अंजाम दिया इसे टैकल कर लिया। आशीष भाई हैं यूथ प्रेसिडेंट और हम खुद हैं मुराद आप इससे ज़्यादा और कोई बड़ा मिसाल हम नहीं दे सकते। अफ्तार हम लोग चाह रहे हैं कि हम मिलजुल के 60 में हर तरह का प्रोग्राम हो और इस प्रोग्राम को हम लोग ने आज हम लोग को लग रहा है कि अब आज जब सुबह से लेकर रात तक जो मेहनत करके के नहीं सही मानों में ये सक्सेसफुल हुआ। तो ममता बनर्जी धर्म जार जार उत्सव सवार और एन भारतवर्षे ये फर्मूला चलाते हैं भारतवर्ष के ठीक रखते गले सवार उत्सव निजे उत्सव बोले करते हैं हमार इफ्तार मुस्लिम भाई इफ्तारे हमें थकबो हमार पुजो दे मुस्लिम भाई थकबे एटाई नियम एटाई कलचार एटाई भारतवर्षे संस्कृति और जरा ब्याघात करार चेष्टा करबें ता भारतवर्षे संविधान के अस्वीकार करछे।